2 सितंबर को टीवी के मोस्ट पॉपुलर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का आकस्मिक निधन हो गया था। इस खबर ने सभी को स्तब्ध कर दिया। आपको बता दें कि बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट विशाल कोटियान और सिद्धार्थ शुक्ला 20 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। वे दोनों दोस्त थे। खास बात यह है कि सिद्धार्थ का आखिरी प्रोजेक्ट भी विशाल के साथ ही था। विशाल ने रियलिटी शो में आने से पहले बातचीत की थी और जहां उन्होंने बताया था कि वो सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से बिग बॉस में आए हैं। विशाल ने कहा कि कोई नहीं जानता कि सिद्धार्थ का आखिरी प्रोजेक्ट मेरे साथ था। हमने उड़ीसा में एक हिंदी म्यूजिक वीडियो में काम किया था। सदाब साबरी सिंगर थे। गाने का नाम था जीना जरूरी है क्या। गाने में मैं और सिद्धार्थ भाई थे। अगर सिद्धार्थ जिंदा होता तो शायद वो बिग बॉस 15 में इस गाने को लॉन्च करता और वहाँ हमारी मुलाकात जरूर होती, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि वो मेरे साथ नहीं होगा। गाना दो भाइयों के बारे में है जो एक ही लड़की से प्यार करते हैं, फिल्म साजन की तरह। मेरे शो में रहने के दौरान गाना रिलीज हो जाएगा। मुझे दुख है कि भगवान ने सिद्धार्थ को हमसे छीन लिया है। अगर वो जिंदा होता तो हम मिलते, मैं उसे गले लगाता। मेरे बिग बॉस में जाने की वजह सिद्धार्थ शुक्ला भी है। विशाल ने बताया कि उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला के सीजन में असीम रियाज काफी पसंद आए थे। ये बात उन्होंने सिद्धार्थ को भी बताई थी। वे बोले, मैं सिद्धार्थ को कहा था कि तुम्हारे सीजन में मुझे असीम रियाज बहुत पसंद आया था क्योंकि उसे कोई नहीं जानता था। वो अंडरडॉग बनकर सामने आया। शुक्ला तो शुक्ला था, लंबी कद काठी, गुड लुकिंग, हैंडसम, फेमस इंसान, लॉजिकल, लेकिन असीम की कोई पहचान नहीं थी। जी हाँ, तो इस बात का खुलासा किया है विशाल कोटियान ने। तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ X9 लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट।